मॉर्निंग, 6:30 बजे हैं सुबह के, हम लोग पहुंचे हैं पानीपत। ये है ईशान, अनमोल, माथुर, पवन, राजेश एंड मनोज जी, और संगीतकारों से आज जरूर मिलाओगे। बता चक्र बोल, सीप भी बोलेंगे हम। इंट्रोडक्शन करो, मैं पकड़। और ये है हमारे चौधरी साहब, हैं कुलदीप, और सचिन है, और ये है कुणाल। रह गए, ये बहुत कम है। ये लेस भाई है हमारे ग्रुप के। ये है विपिन। अभी हम पहुंचे हैं अम्बाला से 17 किलोमीटर पहले। ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, खाएंगे। ये है, वो है, बाकी सब भी है। अभी 1 बजा है और हम पहुंचे हैं करीब 16 से 15 किलोमीटर पहुंचे हैं अभी हम, और हमारे कप्तान ईशान पीछे रह गए। जो हमारे लीड है वो अब टेल बन चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पानी पीने के लिए रुके हुए हैं, ये आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। यह है मनोज यादव, अगले साल के यूपी चुनाव में बनारस से हमारे बाहुबली हैं भाई साहब। मनोज यादव जी बाहुबली है, बाहुबली। रुक कहाँ गए, यहाँ तक तो दिख रहे थे। अभी हम लंच कर रहे हैं सोलन, जो आपने फेसबुक पर अपडेट करा हुआ। अनमोल, हेलो, बहुत मजा आ रहा है। 325 किलोमीटर करीब कवर कर लिया हमने सुबह। और मयूर भाई को हम सच्चाई बता दें कि अभी 80 किलोमीटर का रास्ता और बाकी कम से कम 2.5 घंटा में शिमला ही लगेगा, कम से कम 3-4 घंटे। हमारे एक दोस्त का चालान हो गया है फॉग लैंप के लिए, और उनकी लाइटें तोड़ दी गई हैं, और वो फॉग लैंप हमारी बाइक में भी लगे हुए हैं। अब हमें समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे, और लाइट भी तोड़ दी गई। चलाने 1000 लग रहा है, हमें भी अपनी लाइटें निकालनी पड़ेंगी, बट मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए यह है होटल गोल्फ लिंक्स, और अभी हम लोग निकल रहे हैं रोडू के लिए। थोड़ा दिखाना चाहेंगे सबको। और आज सुबह हमने किसी के अंडे खाए। ध्यान, एक बार हेलमेट पहनोगे ना तो सेट कर लेना। मौसम बहुत अच्छा है वैसे, अब देख सकते हैं मौसम। भाई साहब निकाल लो बाइक, अनमोल भी आप रह गए। हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस राइड के बारे में? ये हॉल्ट हमने लिया है, अभी यहाँ पे हमें मैगी मिलेगी खाने को, रामदेव वाली नहीं, वो नेस्ले वाली। अच्छा, और चाय भी। क्यों, रामदेव की नहीं अवेलेबल है यहाँ पे? वो उसमें FSSI का तो बनता, तो वो शायद हिमाचल उत्तराखंड में यही कहीं बनती। अच्छा, है उनकी। अच्छा, लेकिन हम लोग पसंद करेंगे नेस्ले वाली खानी।
कहाँ हो विपिन, ऐसे कैसे चुप बैठ सकते हो साइड में? जा रहे हैं और मेरी बाइक बीच में गिर गई। कहाँ गिर गई? साले यहाँ ट्रक नहीं रुका था। हाँ रोक। अच्छा आप इधर खड़े होके बोलिए ये बात, इधर आइए विपिन, इधर आओ। क्या हुआ था? एक ट्रक आया उसे मतलब बीच में रुक गया ना, सारे जगह कम बची, जगह कम का रोड नीचे घुस गया। क्या बात है, काफी सारा निकल गया। अगर मैंने फिर ये हमें पता ही नहीं चला ये भी हो गया था। हॉट टू बन रही है मयूर भाई। हाँ जी। अरे सबकी फोटो तो ले लो ऐसे प्लास्टिक में डाल दे। कम यार नहीं नहीं, ये है अनमोल, सब कुछ लाइव रिकॉर्ड करते हुए चल रहे हैं। देखने के ये गांव है। अभी हम यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, चार साल अभी 30 किलोमीटर पूरे यहाँ से, और आगे काफ़ी ऑफ रोडिंग शायद मिलेगी, बारिश भी हो सकती है, तो ब्रेकफास्ट करके हम यहाँ से निकल रहे हैं बस। रोड में रुके हैं, आखिरी गांव है और इसके बाद चांचल की चढ़ाई शुरू होगी, रास्ता थोड़ा और ख़राब होगा। सब लोग बहुत पीछे रह गए, ऐसा ही हो रहा कुछ है, रुक गए होंगे शायद वहाँ। मयूर भाई आरईटी नोएडा के पहले बंदे हैं जिन्होंने चंचल के ऊपर कदम रखा। प्रशांत भाई हमारे दूसरे, आइए प्रशांत भाई, मैं तीसरा हूँ, बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। ये हमारे दूसरे बड़े भाई जिन्होंने चंचल पे कदम रखा है आज। 607.3 किलोमीटर
सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन से चंचल की पहाड़ी तक कितना 607.3 किलोमीटर। अरे मयूर भाई उतना जाना मोहब्बत पे। जहां से मैं शूट कर सकूं। अच्छा अच्छा अभी हम सिर्फ तीन लोग यहां पहुंचे। थोड़ा सा साफ हो रहा है, इधर से सूरज थोड़ा दिखाई दे रहा है, शायद थोड़ी रोशनी होगी। ठंड बहुत ज्यादा है तो बात भी करना मुश्किल हो रहा है। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे आजा रे यूं ही तड़पान तू मुझको जान रे इन सांसों में बस जा तू चांद रे जमीन पे तू चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको। तू ही रे तेरे बिना कैसे जीऊं। बाकी हमारे साथी आ चुके हैं तो अब मैं वापस जा रहा हूं उनके पास। क्या बात है मयूर भाई, कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं इस टाइम। आप कैसा फील कर रहे हैं? हम सभी अच्छा फील कर रहे हैं, बस सीपी की आवाज आई थी वहां से। फाइनली हम लोग पहुंच गए डेस्टिनेशन में। हां जी अनमोल आप भी आ गए। We made it. भाई